एक वाक्या और मैं, ये तो हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पे देखा, असलाब के अंदर से यानी कि साहबा के अंदर से आपको बताऊं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आता है कि वो हर रोज़ रात को जो है निकल जाया करते थे नमाज वमाज फारिग होने के बाद। हजरत उमर ने देखा है रोज़ कहाँ चले जाते, जाते कहाँ हैं, तो देखा उन्होंने बहुत वो मदीने के आखिरी कोने में जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक झोपड़ी थी वहाँ चले जाते हैं अंदर, और अंदर जाके उन्होंने देखा बाहर से कान लगाए, उन्होंने सुना तो उन्होंने जो है अंदर से आवाज़ भी आ रही थी, उन्होंने झाँक कर देखा तो पता चला कि एक बूढ़ी औरत थी, या फिर वो निकल गए वहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने जाके पूछा कि ये हजरत आते हैं क्या हो, तो बोले कि ये मुझे खाना खिलाने आते हैं और मैं अंधी हूँ और बूढ़ी हूँ, मैं से उठा भी बैठा भी नहीं जाता, तो ये मेरे को क्या पेशाब पकाना मेरी गिलादत हो जाती है, वो आके साफ करते हैं मुझे खाना खिला के और फिर वापस से चले जाते हैं। और उसके बाद में ये उन्होंने उनसे लिया, और उसके बाद हजरत अबू बकर के बाद में फिर ये वापस आता है कि इब्ने औफ रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हजरत उमर जो है उनके पीछे में एक बार गया तो यही काम करते थे कि एक औरत थी बूढ़ी, या चाहे वही थी या दूसरी थी, कि वो है ना वापस जाते थे और उसके पेशाब पखाना साफ करते और बिस्तर वस्तर साफ करके फिर उसको लेटा के फिर खाना खिला के आते थे, तो ये वो काम करते। तो ये हजरत उमर कर रहे हैं तो कौन है ये, ये हजरत उमर 30 मुल्कों के बादशाह हैं, ये दुनिया के अंदर चाहे जितना भी हो लेकिन जो निज़ाम जो रैंकिंग बनाई गई है बादशाहों की, जिन्होंने जो दुनिया में हुकूमत की है उनके अंदर 50वीं रैंकिंग आती है इनकी, कितने बादशाह हुए हैं दुनिया के अंदर, उनके अंदर 50वीं रैंकिंग उनमें शामिल किया गया है हजरत उमर को। तो ये वो है, वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर हम कहाँ से फिर किस खेत के मूल्य यही कहना पड़ेगा। तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो है सारी चीज़ें और कई वाक़यात आ सकते, कई वाक़यात इसके ताल्लुक से हमको इसमें देखने को मिलते हैं। तो चंद बातें हैं जिसको मैंने रखी ताकि हम इसको समझें भी और ये बातें दूसरे तक भी पहुँचे, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि ये हमारा एक अहम फरीज़ा है और इसको ज़रूरत है इस काम को किए जाने की, ताकि ये आज जो मुसीबतें ये सब इसी वजह से हमारे ऊपर है क्योंकि हमारा किरदार इस पर ख़त्म हो चुका है।